अगर आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करना बंद कर दे, जैसे कि आपकी हेडलाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, केबिन लैंप हो गई, हॉर्न हो गया और एसी का ब्लोअर हो गया, तो मैकेनिक के पास जाने से पहले आप उसे खुद भी देखकर रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको खुद सही भी कर सकते हैं। हो सकता है उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सर्किट में जो फ्यूज़ लगा होता है वो ब्लो आउट हो गया हो या फिर वो जल गया हो, तो उसके लिए आपको गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स खोल के देखना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर जनरली दो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, एक इंजन कंपार्टमेंट के अंदर होता है और दूसरा गाड़ी के अंदर जो कि स्टीयरिंग के आसपास कहीं डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। चलो गाड़ी में चल के आपको दिखाते हैं। तो एक फ्यूज़ बॉक्स आपको इंजन कंपार्टमेंट में मिलेगा, टियागो के अंदर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसको खोलने के लिए जो इसकी ये क्लिप होती है ना, ये वाली, इसको प्रेस करना पड़ेगा अंदर, और एक इधर साइड है, आप अगर दोनों हाथों से, दोनों एक अंगूठे से और एक उंगली से इसे प्रेस करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। सेम आगे से भी करना है, ऐसे प्रेस करेंगे ये आ गया बाहर। अब ये रहे इतने सारे फ्यूज़ और रिले हैं, कौन सी रिले हैं कौन से फ्यूज़ हैं ये आपको पता करना है, तो आपको इसका जो ये ढक्कन है इसको पलटना पड़ेगा यूं, इस तरीके से। तो आपका पूरा जो मैप है, फ्यूज़ डायग्राम है, कहाँ पर कौन सा फ्यूज़ लगा है, कौन से इक्विपमेंट के लिए है, वो सारा कुछ दिखाई देगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका काम करना बंद कर देता है तो आप उसे यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा हॉर्न काम करना बंद कर गया, तो हॉर्न का यहाँ पर दिया हुआ है 15 एम्पियर का, तो मुझे वेरीफाई करना है कि हाँ ये 15 एम्पियर का जो यहाँ पर है फ्यूज़ है, हो सकता है ये ब्लो हो गया हो। तो इस फ्यूज़ को निकालने के लिए यहाँ पर एक क्लिप दी हुई है, इसको निकालेंगे और इस क्लिप से पकड़ेंगे इसको और इसको बाहर खींच देंगे। और जो अगर ये फ्यूज़ ब्लो हुआ होगा, जो इसके बीच में जो वायर है वो ब्रेक हो गई होगी, अभी बिल्कुल सही सलामत है क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। और ये जो फ्यूज़ की रेटिंग दी गई है, मान लीजिए 15 एम्पियर का फ्यूज़ मेरा उड़ जाए या फिर ब्लो हो जाए, तो मैंने यहाँ पर 15 एम्पियर के जो ये स्पेयर जो यहाँ पर इतने सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, इसमें से मुझे 15 एम्पियर का ही लगाना है। अगर मैं 10 का लगाऊंगा तो ये जल्दी जल्दी जो है ब्लो होते जाएगा, अगर मैं बड़ा लगा लूँगा जो करंट है, करंट ज़्यादा अमाउंट में हॉर्न को भेजेगा तो हॉर्न जो है हॉर्न की वायर जल सकती है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोबारा से। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग रेटिंग के लगे हुए हैं, जैसे ये 60 एम्पियर का है, ये 40 एम्पियर का है, और कई इसमें 15 एम्पियर के भी हैं, 10 एम्पियर के भी हैं यहाँ पर, और 5 एम्पियर का भी है। अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग एम्पियर में जितना करंट वो इक्विपमेंट लेता है उसी हिसाब से फ्यूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना कि फ्यूज़ का जो एम्पियर है सेम होना चाहिए जो उसमें लगा हुआ है। तो इसको बंद करता हूँ मैं अभी और आपको दिखाता हूँ दूसरा, तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा, अभी लॉक हो गया, अभी हिल नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्टीयरिंग व्हील के सामने अगर ये कवर हटाते हैं, ये वाला, ये टियागो और टिगोर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स मिलता है। और मैं कई दिनों से अपना ओबीडी डिवाइस ढूंढ रहा हूँ कि यार कहाँ चला गया हो, वो मुझे इसके अंदर मिल रहा हो, इसमें लगा हुआ था कई दिनों से। तो इसमें भी कई फ्यूज़ और कई रिले लगी हुई है, अगर आपको पता करना है कि ये कैसी है, कहाँ की है, किस इक्विपमेंट की है, वो आपको इधर ये जो मैप दिख रहा है ना इसमें मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी एसेसरीज काम करना बंद कर गई, तो 5 एम्पियर का ये जो है एसेसरीज का फ्यूज यहाँ पर है, आप उसे चेक कीजिएगा, तो हो सकता है वो ब्लो आउट हुआ हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्यूज आखिर में है क्या। फ्यूज एक तरीके का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो आपकी वायर्स है ना उसको ओवर हीट होके उसमें आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उससे आपको प्रिवेंट करता है। अगर गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी माल फंक्शन की वजह से, इक्विपमेंट माल फंक्शन हो या फिर कहीं से करंट लीक हो या शॉर्ट सर्किट हो, उससे सर्किट के अंदर जो है करंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है, फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाता है और आपकी वायरिंग बच जाती है और आपके इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये अगर सर्किट में करंट अगर सडनली इंक्रीज हो जाए जितना उस इक्विपमेंट को चाहिए, उस इक्विपमेंट की रेटिंग के बराबर वहाँ पर फ्यूज़ लगा होगा और उससे ज़्यादा करंट अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए आपके जो इक्विपमेंट है 10 एम्पियर का है, फ्यूज़ भी उसमें 10 एम्पियर के हिसाब से ही होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन आप उसे 10 एम्पियर मान के चलिए, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट होगा तो फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट बच जाएगा। तो ये थी कुछ फ्यूज़ की कहानी। आपको जनरली दो फ्यूज़ बॉक्स मिलेंगे, एक इंजन कंपार्टमेंट में और एक
इनसाइड स्टेयरिंग के सामने नीचे डैशबोर्ड के नीचे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपने और भारत माता की जय। अगर आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल हो जाता है